इस वर्ष राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाने के लिए DSLSA ने एक सप्ताह तक चलने वाली परियोजना में गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। बता दें जिसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना और अपने कानूनी सेवा संस्थाओं के कार्यबल की उपलब्धियों को बनाना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिसमें मुफ्त कानूनी सेवाओं को घर घर पहुंचाना भी शामिल है, जिसका लाभ उन्हें आसान और सुलभ तरीके से मिल सकता है। सभी को नमस्कार। देखिए, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पिछड़े वर्ग या उपेक्षित वर्ग के लिए न्याय तक पहुंचने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और ये कार्य जब से विधिक सेवा प्राधिकरण स्टैब्लिश हुआ है तब से लगातार हो रहा है। हर बार हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचने की जिनको न्याय की जरूरत है लेकिन सामाजिक या आर्थिक कारणों से न्याय के द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस होता है, जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज डे कहते हैं। इसको नेशनल लीगल सर्विसेज डे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा एक्ट है, जो अधिनियम है, जिसके अंतर्गत लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस यानी जो विधिक सेवा संस्थान है पूरे देश के, ये एक्ट 9 नवंबर 1995 को अधिनियमित हुआ था। तो इस दिवस को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने लगातार कार्य के अंतर्गत इस बार माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, जो कि इस DSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक बहुत ही संवेदनशील जज हैं, उनके मार्गदर्शन में विधिक सेवा सप्ताह मना रहा है जो कि 1 से 7 तक हुआ, 1 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में सभी जिला स्तर की जो हमारी संस्थान है यानी जिसे हम DLSA बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या हिंदी में अगर कहेंगे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वो जो संस्थान है सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न कार्यक्रम, एक्टिविटीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स करेंगे जो लगातार चलेंगे। इसके अलावा हमने एक और चीज इस बार सोची है कि ना सिर्फ हम अपनी पहुंच बढ़ाएंगे बल्कि जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अस, उसको और बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तो बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होंगे जिसमें लीगल सर्विस एडवोकेट्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएगी। 9 नवंबर को इस सप्ताह का, इस कार्यक्रम का कल्मिनेशन होगा दिल्ली हाईकोर्ट के प्रांगण में, एस ब्लॉक में, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन और अन्य न्यायमूर्ति दिल्ली हाईकोर्ट के आएंगे। उस दिन हम 2 चीजें खास कर रहे हैं जो कि आपको मैं बता दूं, पहली बार हो रही है। पहली बात तो जो हमारी इंफॉर्मेशन बुकलेट है, लीगल सर्विसेज इंफॉर्मेशन बुकलेट, अब देखिए हम कहीं भी जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको एक बहुत विचित्र फैक्ट बताता हूं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के हिसाब से करीबन भारतीय जनसंख्या का 78 से 80% जो जनता है वो एंटाइटल्ड कैटेगरी है लीगल सर्विसेज के लिए, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए। लेकिन जो पहुंच है
वो अभी नहीं पहुंची है। हमारा जो उद्देश्य है इस लीगल सर्विस कैंपेन के दौरान, वो उस हर व्यक्ति तक पहुंचना है जो समाज की आखिरी लाइन में है। जो लोग पहले हाशिए पर हैं, उनको लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना हमेशा मुश्किल होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस कैंपेन के दौरान वो ये है कि उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जिसको लीगल सर्विसेज की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 9 तारीख को इसका एक कल्मिनेशन सेरेमनी होगा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। उस दिन एक लीगल सर्विसेज बुकलेट जो कि सभी कार्यक्रमों में बांटी जाएगी, इसमें बताया जाएगा कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, आपके क्या अधिकार हैं और आप उन अधिकारों को कैसे एनफोर्स कर सकते हैं। अब कहीं पर एक प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है, जलसे की तरह होता है, लोग देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब उनको ये नहीं पता चलता कि आगे क्या करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है, सूचना पुस्तिका जो है, इसमें वो बेसिक सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसके माध्यम से लोग हम तक पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इस दिन एक कंपेंडियम ऑफ रूल्स एक्ट एंड रेगुलेशंस, यानी कि अधिनियम, नियम और विनियम, इन सबका एक कंपेंडियम लॉन्च होगा जो कि माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, माननीय कार्यकारी के अध्यक्ष लॉन्च करेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू एफिशिएंसी, जो कि है हमारे जब लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स समाज में जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो कई बार उसमें से ऐसा होता है कि कुछ लोग पहुंचते नहीं। तो पहली बार हम एक समर्पण ऐप लॉन्च करेंगे जिसे मैं कहूंगा जियो मैनेजमेंट सर्विस, जियो टैगिंग ऐप। आप देखिए, हमने दिल्ली के 50 पुलिस थानों में 24/7 पैरालीगल वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं, बच्चों के अपराधों को लेकर लोगों के पास जाएंगे, उनको विधिक सेवाओं के बारे में बताएंगे और उन वो कैसे विधिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं अपने अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए, उनके बारे में बताया जाएगा। सो इन अ वे इट वुड बी अ डाटा कलेक्शन आल्सो, जहां से हम उनको उचित सेवाएं दे पाएंगे। दूसरा होगा कि सीनियर सिटीजन का हो गया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या ओल्ड एज होम्स है, इसमें जाकर हमारे क्या कहते हैं कार्यक्रम किए जाएंगे। तीसरा होगा कि जो बच्चे हैं, बच्चों को लेकर एक प्रोग्राम किए जाएंगे, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जाया जाएगा, स्कूलों में जाया जाएगा, स्कूल असेंबलीज में जाया जाएगा, विमेन है या सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ऐसे डायरेक्ट विक्टिम्स हैं, इन सब के लिए विशिष्ट प्रोग्राम किए जाएंगे जो कि ना सिर्फ लीगल अवेयरनेस के होंगे बल्कि लीगल लिटरेसी के होंगे, जागरूकता, साक्षरता, इससे जो हमारा राइट है उसको एनफोर्स करते हैं और न्याय तक पहुंचते हैं। न्याय की पहुंच सब तक पहुंचे, इसके लिए हम लगातार कार्यबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।